आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। अरे बहुत घटिया मूवी है यार। सर आपको उसमें क्या क्या मतलब क्या घटिया लगा, आप में किस चीज़ में आपको प्रॉब्लम? स्टोरी अच्छी नहीं है भाई, स्टोरी अच्छी नहीं लगी। नहीं, और आपको कंगना रनौत की एक्टिंग कैसी लगी उसमें? बहुत घटिया की है उसने। हाँ, और राजकुमार राय की एक्टिंग? सब कोई पसंद नहीं आया भाई, अच्छा नहीं लगा। नहीं, अच्छा आपको मतलब इंटरवल के पहले बेकार लगा कि इंटरवल के बाद, कि आपको सभी बेकार लगे? समझ में नहीं आया इंटरवल कैसे हो गया है। हाँ, खत्म हो गई तो पता नहीं चला क्या हुआ। अच्छा, आप 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहें? 0 है भाई। जजमेंटल। अच्छा, आपको अच्छी लगी? नो, अच्छी नहीं लगी। डेफिनेटली। कारण क्या था उसका? और एक्टिंग सबसे अच्छी किसकी लगी, राव की या फिर कंगना की? कंगना। अच्छा, मैं अगर रेटिंग के बारे में पूछूं, 5 में से कितनी रेटिंग दोगे? 3.5। कंगना की एक्टिंग तो बहुत अच्छी, काफी अच्छी है एज कम्पेयर टू, मतलब माने तो बहुत अच्छी अच्छी मूवीज निकाली है। अभी हाल ही में मणिकर्णिका निकाली थी, बहुत अच्छी मूवी, पेट्रियोटिक मूवी थी, लेकिन अभी इसमें कुछ अलग ही इनका रोल, डिफरेंट रोल देखने को मिला है। आपको पसंद आया कंगना रनौत का मतलब रोल? बहुत अच्छा था, जिसने थिएटर में 3 घंटे रोका, बाकी स्क्रिप्ट सिस्टमैटिक नहीं थी। अच्छी मूवी है, और अपन ये कह सकते हैं इसमें कंगना जी ने काफ़ी अच्छा रोल किया है। एक मतलब उन्होंने खूब उस पागल, मतलब जो उनका किरदार है, उन्होंने उसको एकदम मतलब ढाल दिया उस किरदार में। अच्छा अच्छा अगर अपन कहें तो ये इनका टक्कर केवल जो है शाहिद कपूर दे सकते हैं। अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है कि जो है कंगना रनौत के बहुत बड़े फ़ैन हैं। नहीं, फैन की बात नहीं, उनकी जो एक्टिंग है, मतलब लगता है कि वो उस मतलब वो जो उनका रोल है ना उसमें एकदम फिट बैठती है बिल्कुल। हाँ, अभी इससे पहले जो मूवी आई थी मणिकर्णिका उनकी, वो भी काफ़ी हिट हुई और काफ़ी चर्चा में रही। बहुत सारे जो भी चीज़ें थी, विवाद वगैरह था, उसमें भी चर्चा में रही, और उनका पेट्रियोटिक रोल था उसमें, तो आपको वो भी अच्छा लगा? जी बिल्कुल। उनकी कंपेयर करें कि ये वाला रोल और पहले वाले रोल में आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा? ये जो रोल है वो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में जो एक्यूट जो सकुरिस का जो उनका रोल है वो ज़्यादा बेस्ट है कंपेयर देन अदर्स। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इस मूवी में कुछ आपको मैसेज मिला? अगर आपको मैसेज मिला हो तो हमारे व्यूअर्स को जो देख रहे हैं उनको बताइए आप। जी, मेरा ये एक अनुभव है कि इस मूवी को सभी लोग देखें, क्योंकि अपन आज के समाज में जो अपन जज करते हैं कि ये ऐसा नहीं वैसा है, वो सेम वही है, अपन किसी और को कुछ और समझते हैं जबकि वैसा होता नहीं है। जी, इसलिए हमारी मूवी में ऐसा कुछ हुआ है कि शुरू में कुछ और बताया गया और लास्ट में कुछ और हो गया, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल। शुरू में तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मूवी में चल क्या रहा है, जब तक पूरी एंडिंग नहीं हो गई तब तक समझ नहीं आया कि था क्या। मतलब इंटरवल के पहले तक बिल्कुल मज़ा नहीं आया मूवी में, इंटरवल के बाद बहुत अच्छा लगा, बाद तो लगा कि हाँ शुरू हो रही है। जी सर, मैं अगर आपसे रेटिंग की बात करूँगा तो आप 5 में से कितनी रेटिंग देंगे इस मूवी को? बिल्कुल 3.5 रेटिंग देंगे, बाकी 1.5 कहाँ चला गया? एक्चुअली उसमें कुछ मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें जो उसमें उन्होंने डाल दी गई है, जैसे कि वो एक एक जाना आना, कोई आवाज़ शो करना, ये सब चीज़ें उनको निश्चित नहीं होना था। अच्छा, और काफ़ी रोमांस भी देखने को मिला है इसमें, जो शुरू जो इंटरवल के पहले काफ़ी रोमांस था, तो मतलब ये आपको लगता है कि ज़रूरी था दिखाने के लिए व्यूअर्स को? नहीं सर, ये क्योंकि एक पेशेंट की कहानी थी, आपने एक पेशेंट को दिखाया है, तो उसमें ये सब कोई मस्त नहीं था अपने ख्याल से। अच्छा, मस्त नहीं था, और मतलब आप मूवी से हट करके इन्हें अलग चीज़ करी? ये केवल थोड़ा सा दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इन्होंने ये जो मसाला डाला है, बस केवल खींचने के लिए। अच्छा, एक मसाला डाला है और उसमें उससे कोई रिलेशन इसका था नहीं? अच्छा, कोई था नहीं। जी, कुछ नहीं था उसमें। अच्छा, और जो राजकुमार राव हैं उन्हें भी काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी और वो काफ़ी अच्छी मूवी बनवा चुके हैं, और इनकी एक्टिंग इसमें काफ़ी अलग देखी गई है पहले की मूवीज से, इनने काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? नहीं, जो उनकी इसके पहले अपन ने एक देखी थी मूवी स्त्री, तो स्त्री से ही मेरी जुड़ी कुछ कहानी थी ये, लेकिन उसमें वो रोल और इनका ये रोल, ये ज़्यादा बेस्ट था। ये ज़्यादा बेस्ट आपको लगा? मूवी बहुत अच्छी थी। ये अच्छी लगी आपको? किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी लगी? एक्टिंग तो वैसे भी राजकुमार राव की बहुत अच्छी है जी, और कंगना रनौत की क्या एक्टिंग? दोनों की एक्टिंग अच्छी थी जी। अच्छा, पिछली मूवी आई थी जो उसकी
उसके मुकाबले ये वाली एक्टिंग जो दोनों में से थी, कंपैरिजन में आप किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी मानते हैं? ये वाली एक्टिंग अच्छी थी जी। और मूवी में सस्पेंस, मैंने सुना है सस्पेंस बहुत है, बहुत है, आपको कैसा वो सस्पेंस अच्छा लगा कि? अच्छा सस्पेंस था मूवी का। अच्छा मूवी अच्छी थी सर। मूवी अच्छी जी। और आपको मूवी ने कैच कर पाया जिस हिसाब से वो करना चाहती थी, मतलब मूवी कैची थी आपका कहीं, मतलब जो 2 घंटे 10 मिनट की मूवी है उसमें आपका ध्यान कहीं इधर उधर तो नहीं हुआ, आपने पूरी मूवी अच्छे से वॉच कर जी। अच्छी आप, अच्छा रेटिंग कितना देना चाहेंगे? 4 स्टार देना चाहेंगे। 5 में से 4 देना चाहेंगे। ओके थैंक यू सर।